सारे प्यार भरी सत श्रीकाल, वेलकम टू माई चैनल। आज की रैसपी में बनावगी पनीर परौंठा। तुम्हें ये रैसपी अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दौ प्लीज़, एंड जो मेरे चैनल पर नवा सबसक्राइब कर दौ। ये मैं लै रही हूँ पनीर, पनीर मैं कर रही हूँ कद्दूकस, तुम हाथ नाल भी क्रश कर सकते हो। ये मैं कर लिया ग्रेट पनीर, ये मैं पा रही हूँ बरीक कटे हुए प्याज, धनिया तो हरी मिर्च। ये चीज़ा बहुत ही बरीक कटने होंगे जो आप परौंठे की कोई भी स्टफिंग करते हैं, फिर नहीं तो जब मोटी कट्टे होंगे तो स्टफिंग दिक्कत आएगी। मैं पा रही हूँ नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, इन्हों कर लेंगे मिक्स। धनिया का प्याज का बहुत वधिया टेस्ट आएगा ये। मैं लै रही आटे का पेड़ा, आटा आप नॉर्मली जिम्मे रोटी वास्ते गुन्ना उस तरह ही गुन्ना होंगे, थोड़ा सॉफ्ट आटा हो बस इन्ना ही ध्यान रखना, तो पेड़ा थोड़ा वड्डा करना नॉर्मल रोटी नालों। थोड़ा जिहा मैं बेल लिया, इस मैं लगा रही हूँ देसी घ्यो, आप उपर रखा अपनी पनीर वाली स्टफिंग। दो दो तीन चम्मच रख लाँगे आप, तो हम इन इदा करा फोल्ड साइड से, इदा पकड़ पकड़ते इनू इदा फोल्ड कर लेंगे, कटोरी शेप दे देने इनू। सारे हम उपर इकट्ठा कर लेना, है पोटली वन बना लेनी है, जो उपर एक्सट्रा आटा है आप उतार देंगे। फिर हाथ नाल थोड़ा थोड़ा स्प्रैड करा पहला आप, ताकि स्टफिंग इक्वली स्प्रैड हो जाए अंदर। फिर इनू बेल लेने हल्के हाथ ना बेलेंगे, ज़्यादा जोर लगा के नहीं बेलना। बहुत ही हेल्दी परौंठा, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता, हेल्दी भी है, और बड़े ने छोटे ने सारा भी नहीं पसंद आता। तवा हो गया गर्म, तवे तो आप पाता परौंठा, ये साइड कर देंगे आप चेंज। एक साइड हूँ ये ब्राउन हो गया, आप लगा देंगे तो घ्यो, मैं देसी घ्यो लगा रही हूँ, तुम जो भी यूज़ कर दो लगा लो। परौंठा देसी घ्यो तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कि अच्छा गोल्डन कलर आ रहा, बस इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, फिर वो खाने भी टेस्टी नहीं लगता, देखने भी अच्छा नहीं लगता ज़्यादा डार्क कलर का। ऐसे हम सेम भी है, मैं दूसरा परौंठा बना लाँगी। बस इन्ना ध्यान रखना जो आप स्टफिंग करते हैं दोनों अच्छी तरह, आप परौंठे सील करिए, बंद करिए पेड़े नू, जे उन्हों आप बंद अच्छी तरह नहीं करांगे स्टफिंग निकली जाऊगी बेलते वक्त, फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो पर सारी खिल रही जाती, फिर परौंठा भी नहीं अच्छा बनता, देखने से भी अच्छा ही नहीं लगता। सेम भी आप ये परौंठा भी बना लेंगे। परौंठा बन के तैयार है, बहुत टेस्टी परौंठा बनता और हेल्दी भी होंगे। मैं थोड़ा अंदर खोल के भी दिखा देना जी स्टफिंग, बहुत इक्वली स्प्रेड होंगी, तो बहुत ही अच्छा बनता, बहुत ही अच्छा टैक्सचर आता। तो मेरी रैसपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दो वीडियो प्लीज़, एंड जो मेरे चैनल पर नवा है सबसक्राइब जरूर कर दिया करो, एंड बैल आइकन दबाना ना भूलना।